नमस्कार, हाजिर हूँ सचिन दीक्षित एक बार फिर से कैलाश पाटिल के साथ। बिना किसी औपचारिकता के मैं उनसे सीधे मुलाकात कराने जा रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए महाराष्ट्र में पूरी तरह चुनावी मैदान तैयार हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और उस तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है जब मतदान होगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी पहल शुरू कर चुका है। कैलाश पाटिल की एक मांग है और उस मांग पर ये अड़े हुए हैं। वो मांग कौन सी है और क्या है इनका आगे का प्लान? कैलाश पाटिल इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार चर्चा में बने रहे। आइए सीधे मुलाकात करते हैं कैलाश पाटिल से और बात करते हैं इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार। भूमिपुत्र, सुनने में आया है कि ये शब्द आपकी मांग है। इस बार के चुनाव में नालासोपारा से प्रदीप शर्मा को टिकट देने की बात सामने आ रही है, क्या कहना है आपका भूमिपुत्र शब्द पर? सुनने में अभी आया कि आगरी सेना ने कहा है कि अब की बार भूमिपुत्र ये हमारे जो युवा नेता है राहुल जी सालवी का स्लोगन है। हमारे जो महाराष्ट्र के सचिव है मेघनाथ जी पाटिल का ये स्लोगन है। मैं भी चाहता हूँ कि भूमिपुत्र की मैं व्याख्या ऐसी करता हूँ जो यहाँ का कम से कम 10 साल यहाँ के लोगों में रहा हूँ वो भूमिपुत्र में मैं समझता हूँ। वो किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, वो आगरी हो, कोली हो, आदिवासी हो, वाडवल हो, भंडारी हो, या यूपी से आया हुआ मेरा यूपी वाला भाई हो, बिहार से आया हुआ मेरा भाई हो, बंगाल से आया हुआ मेरा बंगाली भाई हो, या गुजरात से आया गुजराती या मारवाड़ी, कोई भी समाज का, कोई भी जाति का, कोई धर्म का हो, जो यहाँ 10 साल रहा हो और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम की अच्छी उसको पहचान हो, यहाँ के लोगों की क्या मांग है, या लोग ग्रास रूट वाला लोग इधर के क्या चाहते, इनकी टोटल नॉलेज उनको हो, ऐसा मैं भूमिपुत्र समझता हूँ। तो क्या आप अगर यहाँ पर प्रदीप शर्मा को टिकट मिलती है और उन लोगों को मिलती है, खिलाफ़ हैं आप? प्रदीप शर्मा एक ऑफिसर है, उनका फील्ड अलग है। कल ही वो राजनीति में आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको यहाँ के लोगों के जो जूनियन प्रॉब्लम है उनका नॉलेज है। आपने कई जगह पर उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि बाहर से आए हुए आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी है, साइमन बाहर जाओ, ये शब्द का प्रयोग भी किया। मेरा वही स्लोगन है, साइमन गो बैक। और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों बोलता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा अपने देश को यहाँ से कैसा पूरा बर्बाद किया है ये सबको मालूम है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को लूटा, यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के जेवरात ये पूरे सब लेके जैसे बाहर गई, इनकी बैकग्राउंड क्या है सबको मालूम है। तो आप कहने का मतलब है कि ऐसे ही कोई आएगा और जेवरात और यहाँ पे बर्बाद कर चला जाएगा? देखो, बर्बाद नहीं करेगा, मगर इधर की उनको नॉलेज नहीं रहेगा। एक बार हम लोग ने किया है, माननीय रामजी नाइक जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तब गोविंदा को जीत के दिया है लोग ने। 5 साल क्या हालत होगी लोगों की, लोगों ने देखा है। राम नाइक वो टाइम में रेलवे मिनिस्टर थे और राम नाइक चुन के वापस आते थे तो बहुत अच्छे काम होते थे यहाँ से, क्योंकि जो रेलवे मिनिस्टर रह चुका है वो रेलवे के और यहाँ के लोगों की नाल जानता था, उनको मालूम था इधर के लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मगर लोगों ने वो गोविंदा के पीछे लग के उनको चुन के दिया और जो 5 साल गायब रहा यहाँ से, ऐसा ही है सेकंड टाइम होने जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, इनका रहने मान देखो, 5 स्टार में रहने का, सुबह जाने का हेल्थ क्लब, दोपहर तक बाहर रहने का, फिर आएंगे कभी इधर? इलेक्शन के पहले सब जन बोलेंगे मैं सब करता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं 100% प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं एक लायक लड़के का काम किया है, मैंने शिवसेना के, मैं बीजेपी का भी कैंडिडेट लाने में मेरा योगदान है। गावित साहब जब बीजेपी के कैंडिडेट है तो उनको भी मैंने चुन के लाया है मुख्यमंत्री जी के कहने से, माननीय उद्धव जी साहब, माननीय जो अपने यहाँ के नेता है पालघर जिले के शिवसेना के रविंद्र फाटक जी है, या और PWD मिनिस्टर अपने एकनाथ जी शिंदे साहब है, इनको मालूम है कि कैलाश पाटिल ने जेन्युइनली शिवसेना का काम किया है। फिर मुझे बताओ कि शिवसेना का भाई नारा एक ही है कि मराठी माणूस
इकडे राहणारा माणूस भूमिपुत्र त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. मग माझ्या न्यायाचं काय? मग फिर मुझे न्याय है क्या? मेरा न्याय हुआ है क्या? मेरे लोग, मैंने तुमको हेल्प किया. अरे शिवसेना का और बीजेपी का कैंडिडेट लाने में मेरी मेरा योगदान है, ऐसे हमारे खासदार साहब बोलते हैं. फिर उन्होंने खासदार साहब को पूछा क्या यहाँ के ग्रामीण लोगों में इनके नहीं किया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मान लिया वो आते हैं कैंडिडेट चुनकर कैंडिडेट के रूप में, तो आप उन खिलाफत इस तरह करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी साइमन गो बैक, आप बर्बाद कर दोगे, आप ठीक नहीं करोगे? नहीं देखो, मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैंने मेरे विचार बोले. देखो देखो, एक कैलाश पटेल के इंडिविजुअल थिंकिंग है कैलाश पटेल की, ये हो सकता है, शायद मैं राइट हूँ रॉन्ग हूँ मुझे नहीं मालूम, भविष्य बताएगा, ये भविष्य बताएगा. मगर मेरे नेता जो यहाँ बैठे हैं माननीय राजाम जी सालवी साहब है, वो डिसाइड करेंगे. तो उनसे ये सवाल किया गया प्रदीप शर्मा से कि आप बाहर से आए हैं, ये बड़ा मुद्दा बना है यहाँ पर विपक्ष पे. उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, भारत के नागरिक होने के नाते मैं तो चुनाव लड़ सकता हूँ. नहीं, आप लड़ सकते हैं, मगर यहाँ क्या इंटेलिजेंट लोग कम है क्या? पुलिस वाला 150-200 शूट किया, वही इंटेलिजेंट है क्या? यहाँ इंटेलिजेंट लोग नहीं है क्या? यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं है क्या? यहाँ अच्छे लोग नहीं क्या? यहाँ पिंपले साहब है, यहाँ चौहान साहब है, यहाँ दुबे साहब है, यहाँ एक राजन साहब है, यहाँ अपने लास्ट टाइम के जो प्रत्याशी थे शिवसेना के चौहान साहब है, ये लोग नेहा जी है. देखो ये लोग इधर प्रत्यक्ष नहीं है क्या? इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं है क्या? आप भी तो हैं, मैं भी हूँ ना, कैलाश पाटिल भी हूँ ना, मैं तो दावेदार भी हूँ, मैं भी दावेदार हूँ. क्योंकि देखो 26 गांव में 14 गांव मेरे समाज के हैं, तो मैं दावेदार होता ही हूँ, मैं मेरे न्याय हक के लिए लड़ रहा हूँ. नहीं, क्या हम माने कि अगर इस तरह का माहौल रहा तो कैलाश पाटिल चुनाव लड़ेगा? चूंकि आगरी सेना ने संकेत दे ही दिया है अब की बार भूमिपुत्र, हम मान के चले कि कैलाश पाटिल निश्चित रूप से मैदान पे उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए. कल हमारे महाराष्ट्र की कमेटी की कल मीटिंग माननीय राजाराम जी सालवी साहब के हमारे हेड ऑफिस में हुई, वहाँ मेरे साथ जनया मामा भी थे, और उन्होंने भी बोला कि आपके बार भूमिपुत्र, उन्होंने बोला है आपके बार भूमिपुत्र. तो सब लोगों ने तय किया कि आपके बार भूमिपुत्र, माने कि आप चुनाव के लिए आगे आएंगे. देखो मैंने तो मेरा प्रपोजल दिया है, मैंने मेरे महाराष्ट्र के बॉडी को बोला है कि 4 कैंडिडेट है हम लोग लाने के, वाइस वर्षा हम पॉजिटिव बात करेंगे, वाइस वर्षा कर सकते हैं. मैंने बोला है कि वसी से अपना कैंडिडेट, नालासोपारे से, बोईसर से और पालघर से अपने 4 कैंडिडेट, मैंने 4 कैंडिडेट तैयार किए हैं. मैंने मेरे जो महाराष्ट्र की कमेटी है उनके ऊपर उनको बोला है कि आपको डिसाइड करना है कि ये 4 कैंडिडेट खड़े करने क्या करना है या उनका. देखो वो मेरे राइट्स नहीं है, मेरे राइट्स में मैं मेरी बात करूंगा, माननीय राजाराम जी साल भी तय करेंगे. आपने अपनी बात रखी, लेकिन लगता नहीं आपको कि इस बार का चुनाव पलट गया है? सामने बहुजन विकास आघाड़ी नहीं, अब सामने हो गया भूमिपुत्र. अगर नहीं है तो पहले उसको हराओ, बहुजन विकास आघाड़ी को बाद में देख लेंगे. देखो वसई का प्रॉब्लम है, इसके बारे में टाइम बताएगी. पहले तो दिक्कत है कि शिवसेना भाजपा की युति होती है कि नहीं, ये तो पहली बात है ना. वो पहले आने दीजिए. मुझे क्या लगता है इंडिविजुअल कैलाश पटेल को क्या लगता है? आपको बोला मैंने, मेरा समाज का मैं बोल लड़ेंगे आप. देखो नहीं, देखो मेरे वो डिसीजन मेरा नहीं है, वो मेरी पेरेंट कमेटी डिसाइड करेगी. उन्होंने लेट देम थिंक क्या करना है. अगर उन्होंने आदेश किया कि चुनाव लड़िए जाकर, तो तैयार है आपके पास, तो खुद का वोट बैंक है. मेरा समाज में जो भूमिपुत्र की व्याख्या करता हूँ, मेरा एक आगरी समाज भी है जो 63% ग्रामीण में, 28% सिटी में है. और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेरा पूरा कोर कमेटी जिले का चाहता है, कैलाश पाटिल नहीं चाहता. कैलाश पाटिल बोलता है कि 4 कैंडिडेट खड़े करो, मगर मेरी 4-5 जिले की कमेटी और पालघर की कोर कमेटी हमारी 80 लोगों की, वो चाहती है चुनाव कि कैलाश पाटिल ने चुनाव लड़ना चाहिए. या पूरे 5 जिलों ने ऐसा डिसाइड किया है कि एक सीट शिवसेना बीजेपी ने आगरी समाज को छोड़नी चाहिए. 5 जिले में हम इतने 5 जिले के हमारे अधिकारी ने कल भी बोला है, कल भी हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने बोला है क्लियर कट कि कैलाश पाटिल का एक सीट हम लोग, मैंने उनको प्रपोजल दिया था 4 कैंडिडेट खड़ा करने का, उन्होंने प्रपोजल दिया है 5 जिलों ने कि एक सीट शिवसेना बीजेपी से मांगेंगे और वो लड़नी चाहिए. वो नालासोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरे. या मांग पर अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कैलाश पाटिल चुनाव लड़ेंगे? देखो कैसा है कि पेरेंट्स मीटिंग जो डिसाइड करेगी, 60
से 70 मेरे कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो और माननीय राजा राम जी सालवी साहब एक साथ बैठ के जो डिसीजन लेंगे उसके साथ मैं रहूँगा। लगभग सारी बातें हुई, इन बातों में एक बात साफ है, कैलाश पाटिल भूमिपुत्र के ही साथ में रहेंगे। अब वह भूमिपुत्र कौन होगा, या ये खुद होंगे या कोई और होगा, ये समय डिसाइड करेगा। यानी निर्णय अभी आना बाकी है, क्योंकि महायुति का निर्णय अभी आया नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है भाजपा और शिवसेना ने। तो उसका इंतज़ार किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर अगला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो चुनाव में जीत कराएगा। आज के लिए इतना ही।